खबर दिल्ली से है, जहां मदरसे में पढ़ने वाले छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने मदरसे के बाहर हंगामा किया। परिवार वालों का आरोप है कि छात्र पहले से बीमार था, उन्हें मदरसे की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई। उसके गर्दन, पेट और कमर पर निशान पाए गए हैं। घटना कराबल नगर इलाके के दयालपुर की है। बच्चे की उम्र 5 साल है। उधर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली से मदरसे में पढ़ने वाले छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। आपको बताएं कि यहां पर बच्चा जो कि 5 महीने पहले ही उसको मदरसे में भेजा गया था, बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने मदरसे के बाहर हंगामा भी किया और छात्र पहले से बीमार था, उन्हें मदरसे की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई, ये परिवार ने कहा है। बच्चे की गर्दन, पेट, कमर पर निशान पाए गए हैं। घटना करावल नगर की है और बच्चे की उम्र 5 साल है। उधर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लिया गया है। बच्चे की उम्र बहुत छोटा ये बच्चा था और कल शाम 6:30 बजे बच्चे की बीमार होने की खबर मिली, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तो मदरसे में बच्चे की संदिग्ध हालात में बच्चे की मौत होने के बाद परिजन घबराए हुए हैं। परिजनों का कहना यह है कि उन्हें बच्चे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी, ये पता चला हमारे ताऊ चाचा के लड़के हैं या काम करते हैं, उन्होंने फोन करके बताया कि यहाँ मदरसे में कुछ मसला हो गया, एक बच्चे की मौत हो गई है, बस इतना बताया है। हम तुरंत चल दिए वहाँ से। जी, तो क्या आप बच्चे को जानते हैं जो 7 साल का बच्चा यहाँ पढ़ता है? नहीं, हम आपका बच्चा जानता हो उसको? हमारा बच्चा भी छोटा ही है, वो अभी हमें कोई मालूम पता नहीं है। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से मौत हुई है, क्या दिल और दिमाग में डर का माहौल है? हाँ, बस एकदम सर खौफ सा हुआ, डर तो लगता है, एकदम मोहब्बत तो आती है। अपना बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, तो उसे लेने के लिए आए अपने बच्चे के लिए। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीरज, कैसे बच्चे की मौत हो गई, पूरा मामला क्या है, शुरुआती जानकारी क्या सामने आई है? देखिए, बच्चे की मौत तो 6:30 बजे जब उसकी माँ आई, उसे अस्पताल ले गई, तो वहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। लेकिन आपको सबसे पहले मदरसे की तस्वीर दिखा दें। इस घटना के बाद कल शाम को यहाँ लोग जमा हो गए थे, करीब 250 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, ये जिस गली में, दयालपुर का इलाका है दिल्ली का, और मदरसा तालीमुल कुरान माशाल्लाह इस ये नाम है इसका। और यहाँ ऊपर की तस्वीरें दिखाइए, ऊपर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी ऊंचाई और किस तरह से ये बना हुआ है और किन स्थितियों में बना हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं जो लगातार मौजूद थे उस हादसे के वक्त में, जब उनकी माँ आई, दादी आई और बच्चे को ले गई, और लगातार परिवार के लोग आ रहे हैं। 250 बच्चों में से अब कुछ हैं, 150 बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं और करीब 100 बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ के रहने वाले। आप बताइए, आपने पूरा वाकया देखा है, क्या कुछ हुआ था? देखो, ये मतलब बच्चों में क्या हुआ पूरी बात का पता नहीं है, ठीक है ना। लोग आए, लोग जुटे, उसके बाद पुलिस को फोन किया गया, भाई तो अभी जांच चल रही है कि पूरी बात का अभी किसी को नहीं पता है, ठीक है। अभी पुलिस यहाँ पे आप देख रहे हैं मौजूद है, FIR दर्ज हो चुकी है, पोस्टमार्टम होने वाला है, उसके बाद जो चीज़ निकल के आएगी तब तस्वीर साफ होगी कि क्या हुआ, क्योंकि जो आप जानते हैं कि बहुत से लोग, ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कल क्या हुआ था ये बताइए। कल ये जब लोगों ने इस बात को सुना कि 7 साल के बच्चे की मदरसे में मौत हो गई, तो आसपास के लोग आए देखने के लिए, बातचीत, उसके बाद पुलिस को कॉल की गई, FIR मतलब पुलिस आई, तो उसको फिर जो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई है, बस यही। उसके बाद जो लोगों को समझा बुझा के, फिर दूसरी बात जो आसपास के लोकल के लोग हैं, 150 बच्चे जो थे जिनको खबर मिली, उन्होंने अपने बच्चों यहाँ से रेस्क्यू किया, अपने घर पे ले गए बच्चे को, ले गए। अभी बंद है या कुछ बच्चे अभी भी अंदर है? अभी इसमें कुछ बच्चे बाहर के भी, आउट ऑफ दिल्ली की भी है, जैसे कि राजस्थान से हो। देखिए, आपको दिखाएंगे तस्वीरें, यहाँ मदरसा जो है अंदर कुछ बच्चे हैं लेकिन कोई बात नहीं कर रहा। हमने जानने की कोशिश की, जानने के, देखिए कुछ बच्चे हैं अभी यहाँ, आपको तस्वीरें दिखा दे, अंदर से बंद है, कुछ बच्चे हैं, कुछ के परिवार, आप विपिन दिखाइए इधर, यहाँ से क्लोज होकर, यहाँ से अंदर कुछ बच्चे हैं, कुछ के परिवार वाले आते हैं, उन्हें ले जाते हैं। मेरे सामने भी कुछ परिवार के लोग अपने बच्चे को ले जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र तो कम है, और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे। दरअसल परिजनों ने मदरसे पर सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोप ये भी है कि मदरसे में मृतक बच्चे के साथ मारपीट भी की गई थी। दिल्ली पुलिस को 23 अगस्त की रात करीब 10 बजे इसकी जानकारी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक मदरसे में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 150 बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं।
प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर हमला करने के मुख्य आरोपी शहजाद अली का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कोतवाली कांड पर अपनी सफाई दी है। पुलिस थाने पर हुए पथराव को असामाजिक तत्वों की साजिश करार दिया है। आरोपी शहजाद अली ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर हमला करने के मुख्य आरोपी ने अपनी सफाई दी है। शहजाद अली का वीडियो सामने आता है, जिसमें उसने ये कहा है कि पुलिस थाने पर जो पथराव हुआ वो असामाजिक तत्वों ने किया, उनकी साजिश है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने पर पथराव और बवाल करने वाले मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की कहानी बॉलीवुड फिल्म नरसिम्हा से मिलती जुलती है। जिस तरह से फिल्म में बापूजी का किरदार था और उसकी दहशत थी, बताया जा रहा है कि छतरपुर में भी ठीक उसी तरीके से शहजाद अली और उसके भाइयों का दबदबा था। छतरपुर का बापजी था शहजाद अली। छतरपुर में शहजाद चाहता था एक छत्र राज, वर्चस्व के लिए बना रहा था बापजी जैसी कोठी। शहजाद अली की सल्तनत जमींदो। पुलिस थाने पर पथराव और बवाल के आरोप में मास्टरमाइंड माने जा रहे शहजाद अली की पिछले 5 सालों से बन रही इस आलिशान कोठी को छतरपुर का प्रशासन जमींदोज कर चुका है। साथ ही हवेली में खड़ी 3 लग्जरी कारों को भी बुलडोजर से कुचल दिया गया, और इसी के साथ प्रशासन ने उस दबदबे को भी मिट्टी में मिला दिया, जिसके दम पर आरोपी शहजाद अली और उसके तीनों भाई दहशत का कारोबार करते थे। बताया गया कि आरोपी शहजाद का किरदार हिंदी फिल्म नरसिम्हा के बापजी जैसा था। बड़ा भाई आजाद अली नगर पालिका का पार्षद है, शहजाद खुद जिला कांग्रेस का पूर्व उपाध्यक्ष रह चुका है। तीसरा भाई फयाज अली प्रॉपर्टी का काम करता है और कई जमीनों पर उसका कब्जा है। दबदबा ऐसा कि कोई दूसरा वहां प्रॉपर्टी का काम नहीं कर सकता, जबकि चौथा भाई इम्तियाज पुराने टायर और ऑयल का कारोबार है।